केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम बीए पार्ट फर्स्ट के हिस्ट्री के अंदर आज सिंधु सहादी सभ्यता के बाद अब वैदिक सभ्यता का स्टार्ट करेंगे। अब बात करते हैं वैदिक सभ्यता की। वैदिक सभ्यता जो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में आई, ठीक है। विवादास्पद टॉपिकों में से है ये। और सिंधु घाटी जो ये वैदिक सभ्यता है इसको दो भागों में विभाजित करते हैं, इसके दो भागों में विभाजित करते हैं पूरी सभ्यता को पढ़ने की दृष्टि से, ठीक है। एक है ऋग वैदिक काल, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो 1500 BC से 1000 BC, और उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है 1000 BC से 720। ठीक है, अब ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल जो था उसका जो मेन जो साहित्यिक जो उनके सोर्सेज, इनको उनके इतिहास की जानकारी के लिए हम सोर्सेज के बारे में पहले जान लेते हैं। एक तो ऋग वैदिक काल के लिए देखो, वेद, वैदिक साहित्य कह सकते हैं, वैदिक साहित्य के अंदर कौन कौन से आते हैं, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ये तो चारों आते हैं वैदिक के अंदर। इसके अलावा वैदिक साहित्य के बाद में वेदांग भी होते हैं, इसके लिए महाकाव्य भी इनको वैदिक सभ्यता की संस्कृति के बारे में जानने के सोर्सेस हो सकते हैं महाकाव्य। ठीक है, अब इसके अलावा हम ऋग्वेद, इन वेदों के बारे में पहले वैदिक साहित्य के बारे में हम पढ़ते हैं। वेद, वेद का अर्थ होता है ज्ञान, इसको श्रुति ग्रंथ भी कहते हैं। श्रुति ग्रंथ इसलिए कहते हैं कि ये लिखे नहीं गए, ये किसी एक व्यक्ति के द्वारा लिखे नहीं गए, यानी कि बहुत सारे लोगों के द्वारा एक पीढ़ी दर पीढ़ी सुने गए, फिर बाद में संकलित किए गए, इसलिए उनको श्रुति ग्रंथ कहते हैं, यानी कि सुनकर लिखे गए। इनका संकलन किसने किया, महर्षि कृष्ण द्वैपायन। ठीक है, इन्होंने इसका संकलन किया। वेदों की संख्या कितनी है, वेदों की संख्या 4 है, वेदों की संख्या 4। देखो कई बार होता है कि वेदों के भाग कितने, वेदों की संख्या कितनी है, तो वो वेदों जो ये ऋग्वेद,
सामवेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्वेद, वो इनके भाग नहीं है, वो वेदों की संख्या चार है। उन संख्या वो वेद कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनकी संख्या चार है, ठीक है। अब सबसे पहले हम ऋग्वेद के बारे में देख लेते हैं। जो वेदांग हैं उपनिषद को वो बाद में बात करेंगे उसकी, ठीक है। पहले ऋग्वेद की बात कर लेते हैं। ऋग्वेद, ऋग्वेदिक सभ्यता, जो वैदिक सभ्यता का जो पहला वाला जो भाग है उसको ऋग्वेदिक सभ्यता कहते हैं। उसको जानने के सोर्सों में सबसे बड़ा जो ग्रंथ है वो ऋग्वेद है, और ऋग्वेद में कितने 10 मंडल हैं, 10 मंडल हैं। और जो दूसरा से लगाकर सातवां मंडल है उसको परिवार मंडल की संख्या दी गई है, परिवार मंडल, ठीक है। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवा। विश्वामित्र, वामदेव इसके प्रवर्तक हैं, या फिर इनके संकलन करने वाले। जो दूसरा मंडल का जो संकलन है वो ग्रत समत ऋषि ने किया, तीसरे का विश्वामित्र, चौथे ने वामदेव, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ, ठीक है। दूसरे मंडल की जो प्रवर्तक जो ऋषि है, यानी कि इसके ये पूरे परिवार है, ग्रहसमत का जो पूरा परिवार था, उनके जो कुल थे, उन्होंने मिलकर दूसरे मंडल की रचना की। तीसरे मंडल के विश्वामित्र के परिवार मंडल ने रचना की, इनको पूरे को परिवार मंडल की संख्या दी। ये सबसे पुराने माने जाते हैं। और पहला और दसवां जो मंडल है उसको सेपक कहा जाता है, यानी कि जो बाद में ये इनका जो बाद में जोड़े गए ऋग्वेद के अंदर, ठीक है। जो आठवां जो मंडल है वो कर्ण व अंगिरस ऋषि, अंगिरस ऋषि ने संकलन किया। नवा मंडल सोम को समर्पित है, सोम को समर्पित। दसवां मंडल, दसवें मंडल के बारे में आप जानते होंगे, जिसमें जिसके पुरुष सूक्त में, पुरुष सूक्त के चार वर्णों की, चारों वर्णों की पहली बार वर्णन किया गया है। कौन कौन से चार वर्ण? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। ये जो मंडल है वो सोम को समर्पित है, ठीक है। इसमें बताया गया कि मूजवंत पर्वतमाला से
सोम का जो निवास स्थान है वो मुजवंत पर्वतमाला। मुजवत पर्वतमाला वो सोम का, वहां से सोम प्राप्त होती थी। सोम को चंद्रमा का देवता भी बताया गया। ठीक है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल की हम बात करते हैं। जो आपने गायत्री मंत्र सुना होगा, ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, है ना। जो वो तीसरे मंडल में लिखा गया, और उनकी जो रचयिता है वो विश्वामित्र है गायत्री मंत्र का। गायत्री मंत्र जो सावित्री को समर्पित है, सवित्र नामक जो देवता हैं समर्पित है। ऋग्वेद के सातवें मंडल में दास राज्ञी युद्ध की व्याख्या बारे में बताया गया है। सातवें मंडल में दास राज्ञी युद्ध, यानी कि एक तरफ तो था भरत कबीला और दूसरी तरफ था 10 दूसरे कबीले। इनका पुरोहित था वशिष्ठ, इनका पुरोहित था विश्वामित्र। इनके बीच के युद्ध का वर्णन है। इसमें भरत कबीला जो था वो विजयी हुआ था। बात क्या थी कि जो भरत कबीला है तो उसका जो राजा था सुदास, इसका राजा का नाम क्या था? सुदास। तो भरत कबीले के राजा सुदास ने वशिष्ठ की जगह, पहले ये विश्वामित्र इनका पुरोहित हुआ करता था, तो विश्वामित्र को हटाकर वशिष्ठ को स्थापित कर दिया, अपने पुरोहित बना दिया। तो विश्वामित्र ने फिर जाकर 10 कबीलों के को संगठित किया और फिर उन भरत कबीले के ऊपर आक्रमण करने के लिए आक्रमण कर दिया। तो जिससे फिर बाद में इन दोनों के मध्य में युद्ध हुआ, फिर भरत कबीला विजय हुआ। लेकिन ये 10 कबीले कौन कौन से थे? इनमें 10 आर्य थे और 10 अनार्य, 5 आर्य और 5 अनार्य थे। 5 आर्य कबीले और 5 अनार्य कबीले। आर्य कबीले कौन कौन से थे? अनु, द्रुहु, पुरु, अनु, यतु और तुर्वस। ये तो थे अनु द्रुहु पुरु यदु और तुर्वस। ये तो थे 5 आर्य कबीले और 5 अनार्य कबीले थे। इनमें थे शिव, भलानिंद, निंद, अलिंद और पक्त। ये 5 अनार्य कबीले थे। इन 10ों कबीलों को मिलाकर भरत जो कबीला था उसके ऊपर आक्रमण किया और राजा सुदास के ऊपर आक्रमण किया। फिर भी राजा सुदास युद्ध को जीत गया और इसी युद्ध का नाम है दास राज्ञी युद्ध। तो इस युद्ध का जो वर्णन है वो ऋग्वेद के सातवें मंडल में मिलता है, जिसका पुरोहित कौन है? वशिष्ठ। ठीक है, इसी भरत कबीले के कारण हमारे देश का नाम जो है वो भारत पड़ा। इसी भरत कबीले के नाम पर हमारा देश का नाम भारत पड़ा। अब देखिए, ऋग्वेद जो है वो 5 शाखाओं के अंदर है। ऋग्वेद
पूरे भारत के अंदर एक जैसा नहीं मिलता है। ऋग्वेद पूरा भारत में एक जैसा नहीं मिलता है, उसकी 5 शाखाएँ, वो अलग अलग शाखाएँ हैं जिसकी साकला शाखा ही हमें उपलब्ध है। 5 शाखाएँ उसकी, देखो साकला, साकला, वास्कला, आस्कलायना, सांखायना और मांडुक्य, ये 5 शाखाएं। इनमें से साकला शाखा ही हमें उपलब्ध हैं, बाकी शाखा साकला इनके इनका नाम हमें कहीं मिलता है लेकिन ये शाखाएं हमें नहीं मिलती, सही साकला शाखा ही हमें मिलती है। इसलिए ऋग्वेद की सबसे जो सही शाखा जो कहेंगे, जो हमें जो उपलब्ध शाखा जो है वो साकला ही है। और जब ये शाखाएँ हमें मिलती हैं कई पांडुलिपियों के ग्रुप में, तो हमें ऋग्वेद के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी हम इकट्ठी कर पाएंगे, है ना। अनु अगर इसको मंडल में तो 10 है ये, ठीक है, मंडल बताया था हमने, कितने बताया, 10। अनुवाक के रूप में उनको बांटे, अनुवाक 85 है और वर्ग 64 है। इसमें कुल सूक्त कितने हैं, 1017 प्लस 11 टोटल है 1028, है ना। 1017 तो मूल है, 11 बाल खिली यानी कि परिशिष्ट है, बाल खिली या परिशिष्ट यानी कि किसी किताब के ऊपर आगे के पीछे जो प्रश्न नहीं होते, किताब के बारे में जानकारी देते हैं, है ना, उसके ऊपर ओवरऑल जानकारी देते हैं, उस प्रकार के परिशिष्ट है ये। शिष्ट और टोटल मिलाकर जो है, तो टोटल मिलाकर हुए कितने, 1028 कुल, अगर कहीं पूछे तो वो 1028 कुल सूक्त। वर्ग अध्याय 64 है और जो वर्ग हैं, वर्ग 2006 के बोलेंगे, लेकिन ज़्यादातर आपको ये चीज़ें याद रखने हैं, एक तो मंडल कितने हैं, हाँ, एक सूक्त कितने हैं, इन चीज़ों पर, दो चीज़ों पर ध्यान दीजिए, ये ज़्यादा पूछी नहीं जाती है, वर्ग और ये अनुवाक। और ऋग्वेद की रचना श्री पुरोहितों ने नहीं की, जो पुरोहित, जो ब्राह्मण, जो पुरोहित थे, जो पुरुष थे, वो उन्होंने की, इनमें स्त्रियों का भी योगदान था, स्त्रियां भी कई सारी हुई हैं, उन स्त्रियों के नाम हम जानते हैं। गोसा, शिक्ता, कपाला, लोपामुद्रा, सची, पोलमी, विश्ववरा, घोषा, शिक्ता, अपाला, लोपामुद्रा, लोपामुद्रा, काक्षावर्ती भी लिखो, ठीक है। इन ये जो स्त्रियां थी, इनका भी इनमें योगदान रहा, तो इनमें जो लोपामुद्रा थी वो सबसे महत्वपूर्ण है, लोपामुद्रा सबसे महत्वपूर्ण है, क्यों, क्योंकि ये सत्य वन के भी होते हुए ऋषि अगस्त्य से विवाह करती है, ये सत्य वर्ग के भी होते हुए ऋषि अगस्त्य से विवाह करती है, इसकी जो सत्य वर्ण की थी और ऋषि अगस्त्य, ठीक है। तो ये कौन सा विवाह हुआ, ये अनुलोम विवाह,
अनुलोम विवाह। अनुलोम विवाह क्या होता है कि पुरुष जो होता है वो उच्च वर्ण का होता है, तो इसमें अगस्त्य जो थे वो ब्राह्मण वर्ण के थे और जो स्त्री थी वो लोपामुद्रा वो क्षत्रिय वर्ण की थी। अनुलोम विवाह। अब बात करते हैं यजुर्वेद की। यजुर्वेद, यजुर्वेद कर्म कांडों के लिए जाना जाता है, यानी कि यज्ञ में कर्म कांड में कौन सी चीज़ें आहुति देनी चाहिए, कौन सी नहीं देनी चाहिए, और उसमें क्या क्या कर्म कांड होते हैं, कौन से यज्ञ किस काम आता है, कौन सा यज्ञ किस लिए किया जाता है। तो यज्ञों के बारे में, यज्ञों के विधि विधान और कर्म कांडों के बारे में, यज्ञों के विधि विधान और कर्म कांडों के बारे में। यज्ञों के विधि विधान और कौन का, इसका जो अंतिम जो भाग है वो ईशोपनिषद कहलाता है, उपनिषद अंतिम भाग जो है ईशोपनिषद। इसके पांच भाग हैं, पांच शाखाएं हैं। कौन कौन सी है? वासिनी, मैत्रायणी, कठ, कपिष्ठल और तैत्रीय। इसकी पांच शाखाएं हैं, ठीक है, ये हो गया यजुर्वेद। और ये शाखा, इसका ईशोपनिषद है, ये एकमात्र उपनिषद है जो किसी यजुर्वेद का भाग है, किसी वेद का भाग है, एकमात्र उपनिषद जो किसी संहिता का भाग है। ठीक है, अब यजुर्वेद के बाद में हम सामवेद के बारे में देखते हैं। सामवेद में है, साम का अर्थ होता है ज्ञान, साम का अर्थ होता है ज्ञान। सामवेद में क्या है कि वैदिक कर्मकांड यज्ञ करते समय ऊंचे स्वरों के अंदर जो जो मंत्र बोले जाते हैं, ऊंचे स्वरों के अंदर जो मंत्र बोले जाते हैं, उनका जो सारा विवरण जो है वो सामवेद के अंदर जो गाए गए मंत्रों को इसमें सामवेद में लिखा गया है, यज्ञ के दौरान गाए गए हुए मंत्र हैं। यज्ञ के दौरान गाए गए मंत्र, भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि मैं वेदों के अंदर सामवेद हूँ। कृष्ण की एक उक्ति है, मैं वेदों में सामवेद हूँ, वेदों में सामवेद हूँ। ये संगीत का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, संगीत का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, सबसे प्राचीनतम
प्राचीनतम ग्रंथ। इसके भी तीन शाखाएं हैं, पहली रामायण, कौमुदीय और जैमिनी। ठीक है, भगवान कृष्ण ने कहते हैं कि मैं वेदों में सामवेद हूँ। इसके अंदर क्या लिखा गया, यज्ञों के दौरान गाए हुए मंत्र लिखे गए हैं और संगीत का सबसे ये प्राचीनतम ग्रंथ है। ठीक है, साम का अर्थ होता है ज्ञान। अब कहते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद, अथर्ववेद में जादू टोने और टोटके के बारे में बताया गया है। जादू टोना और टोटके के बारे में ठीक है। बोल, ऋग्वेद का सबसे अंतिम वेद है अथर्ववेद, उसमें जादू टोने और टोटके में बारे में बताया गया है। ठीक है, अब इसके आगे की जानकारी हम कल प्राप्त करेंगे। हमने आज क्या पढ़ा, वैदिक सभ्यता के जो दो भाग है, ऋग्वेदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता, और उनको जानने के सोर्सों के अंदर वैदिक साहित्य के चारों भागों में से चारों वेदों के बारे में हमने पढ़े, और आगे की जानकारी कल प्राप्त करेंगे। कोई क्वारी हो तो कॉल करो और कॉलेज आकर संपर्क करूँ।